सर ये कुछ मेडिसिन है, आप इन्हें जल्द से जल्द मंगा लीजिए प्लीज। जी जी देखिए पेशेंट को होश आ गया है। नहीं रुकिए, आप में से सुमन कौन है? क्योंकि पेशेंट के होश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले सुमन का नाम लिख के दिया मुझे। वो सुमन से ही मिलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हम सब संभाल लेंगे। अरे मगर अरे अनमे देखिए अगर इस वक्त इनके मन की नहीं मानी तो ये और हाइपर हो जाएंगे, इनके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज जल्दी से जाके सुमन को बुलवाइए। धनराज जय जाके सुमन को ढूंढिए, उसे जल्दी से यहाँ ले आइए। मैं सिर्फ सुमन से मिलना चाहता है और किसी से भी नहीं। जाइए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। भैया मैं एक बार फिर से सुमन को फोन ट्राई करके देखूं। सुमन का फोन लगातार बिजी आ रहा है, भगवान जाने वो कहाँ होगी। हमने सब जगह ढूंढ लिया, सुमन का कहीं पता नहीं लगा। ठाकुर साहब के घर में फोन किया तो वहां कोई उठा नहीं रहा है, और सुमन का मोबाइल भी नहीं लग रहा है। हे भगवान अब हम करें तो क्या करें। सुमन मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। मेरी आवाज सुनकर आप बहुत हैरान हैं ना? मैंने भी अपनी आवाज़
बहुत सालों बाद सुनी है। एक हादसे ने मुझसे मेरी आवाज छीन ली और आज एक और हादसे ने मुझे मेरी आवाज लौटा दी। सुमन, मैं चाहता था कि मेरी आवाज सबसे पहले आप सुने, क्योंकि जब भी मैं कुछ कहना चाहता था उस वक्त आपने मेरी आवाज बनकर मेरा साथ दिया। आप ही थी जिसने मुझे समझा, इसने मेरी हर कमी को अपनाया। तन्मय जी, आप अभी इतना मत बोलिए, आपको तकलीफ होगी, आप आराम कर लीजिए। भगवान की दया से आपकी आवाज वापस आ गई, अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी बातें सुनने के लिए। नहीं सुमन, आज मुझे कहने दो, क्योंकि अगर आज मैं नहीं कहूंगा तो शायद आज के बाद मुझे कभी मौका ना मिले। आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि आप सिर्फ कार्तिक की है। फिर वो प्यार ही क्या जो प्यार को समझ ना पाए। हाँ सुमन, कार्तिक के और आपके बीच का तनाव, हंसियों से भरी हुई आपकी आंखें। कार्तिक और आपके चेहरे की उदासी, मैं समझ गया था कि आप दोनों के बीच में जरूर कुछ है। भगवान ने मुझसे मेरी आवाज छीन ली थी, दिल और दिमाग नहीं। जैसे आपको मेरे दर्द का एहसास हो रहा था, वैसे ही आपका दर्द भी मुझे छू रहा था। और जहां तक मैं समझता हूं, कार्तिक का दिल भी सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब देखकर मुझे बुरा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी है, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया। सुमन, आपने मुझे बहुत सारी खुशियां दी, आज मैं आपको खुशियां लौटाना चाहता हूं। आपकी खुशी कार्तिक के साथ जुड़ी है, आप कार्तिक के पास चले जाइए, वापस लौट जाइए कार्तिक के पास। नहीं तन्मय जी, बहुत देर हो चुकी है, अब हम कार्तिक जी के पास लौट कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कर रहे हैं तन्मय जी? तन्मय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। सुमन, इस वक्त आपको यहाँ नहीं, कहीं और होना चाहिए था। आप मेरी वजह से यहाँ पर हैं। आप चलिए हमारे साथ। नहीं तन्मय जी, हमें कहीं भी नहीं जाना है। आपकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक हूँ, इस वक्त मुझे अपना कोई दर्द याद नहीं है। बस याद है सिर्फ इतना
कि मुझे तुम्हें और कार्तिक को मिला दे। चलो मेरे साथ। तन्मय जी हमारी बात तो सुनिए। बहुत हो चुका, ये अच्छा बनने का नाटक बंद करिए आप और हमें सच सच बताइए आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहाँ ले जा रही हैं आप हमारे बेटे को? जवाब दीजिए। अभी अभी ये बेचारा होश में आया है, क्या दोबारा उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आती सुमन? बस कीजिए। बस कीजिए सुमन को कोसना। आप उसे कोस रही हैं जिसने मुझे मेरी कमी के साथ अपनाया। आना माना कि इस हादसे से घबरा गए हैं आप सब, लेकिन इस हादसे के लिए आप सबको खुश होना चाहिए। हम बोल सकते हैं।